भाई सुनार वाले घर पर कब्जा हो गया। भाई बहुत गुस्से में है, पता नहीं किसकी शामत आनी है। भाई जी क्या हुआ? भाई जी घर पे कब्जा कर लिया जदे के बंदों ने, सबक सिखाना है उन्हें। भाई जी बाले गोल्डन को गम करे, मैं चला जाता हूँ। तुम लोगों में इतना दम होता तो मुझे जाने की जरूरत ना पड़ती। तुम लोगों से अच्छा मैं कुत्ते पाल लेता, वफादार तो निकलते। पर भाई जान कब्जे का तो आज ही पता चला। क्या पै थप्पड़ तुझे मैंने देर से पता लगाने के लिए मारा है। ओ हेलो, ये क्या बदतमीजी है? ना कर कर चलने की क्या जरूरत है कि कुछ नजर ना आए? तोड़ दिया ना हमारा शीशा। जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चलने वाली। आराम से, आराम से, तमीज से बात करनी है। बड़ा भाई है हमारा। होंगे आपके बड़े भाई, हमारा शीशा तोड़ा इन्होंने। कि जोर जबरदस्ती यहाँ नहीं चलेगी। अब नुकसान किया हमारा तो पैसे भरने होंगे आपको। ओ लड़की जुबान संभाल के बात कर, जुबान चलाई जा रही है, जुबान चलाई जा रही है हमारे भाइयों के साथ। तो फिर तुम समझाओ ना इनको, शीशा तोड़ दिया हमारा, झगड़ा आपका था ना, हमारा तो नहीं था, तो हम क्यों फंसे? हमारा नुकसान हो गया। आपसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हैं आप? बहरे तो नहीं है? नया शीशा तोड़ दिया, अब कौन भरेगा नुकसान? बेटा आप अंदर चलो ना, मैं बात करता हूँ। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा शीशा तोड़ने की? मैं दिखाता हूँ कैसे तोड़ा जाता सामान। माजरा चाहते हैं आपसे, ये जितना भी नुकसान हुआ है ये लड़का शीशा ठीक करवा के आपको दे जाएगा। आप अंदर चलो ना, चलो अंदर मैं बात करता हूँ। मेरे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अशरफ नाम है जी मेरा, अशरफ मुनीर, कौंसिल हुआ यहाँ का। लगता है इस मोहल्ले में नया आए हैं आप जी। ये लड़के आपका सामान अंदर रखवा लेते हैं। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया आपका, मैं रखवा लूँगा। बहुत नहीं, नहीं ऐसी बात है। अल्लाह तुमने तो डरा ही दिया है। ये पढ़ने लिखने के अलावा भी कोई बात कर लिया कर कभी। चल कोई बात नहीं, अगर आई है तो बड़ी अच्छी बात है।
तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। अम्मा, बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन लेना बहुत बड़ी बात होती है। रुबा पापा, आपको वो नहीं पता? अरे, हमारे लिए तो आम सी बात है, हर बार पोजीशन जो लेती हो। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। अब इतनी बुरी सी शक्ल क्यों बना ली है, ऐसे जैसे कोई पोजीशन वापस ले रहा है? आपको नहीं पता लोगों के माँ बाप कितने खुश होते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, सेलिब्रेशन होती है, लेकिन आप लोगों के चेहरे पे मेरे लिए जरा सी मुस्कुराहट भी नहीं। अच्छा चल जा, खतीजा कपड़े धो रही है अकेले, जा जा के उसका कपड़े धो। बड़े धुलाई की मैंने उसकी। अब नहीं करेगा इस घर की तरफ रुख। हो गया आपका घर खाली? फखर है मुझे तुझ पे। हाँ, इससे नहीं होगा ये सब कुछ। मुकाबले के लिए हौसला और ताकत चाहिए। बोल, मेरी ताकत का खेल अच्छा है या तेरे कलम का? कलम उठाने वाले को कमजोर मत समझे भाई। वैसे भी मेरे नजदीक किसी से लड़ना बहादुरी नहीं है। और आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर मर्दों की तरह लड़कर जीतना बहादुरी है। अब्बा, इसकी टीचरी से जो 60,000 आता है वो तेरे काम ज्यादा आता है या मेरे कारोबार से आया हुआ पैसा? क्या हो गया भाई आपको? ये क्या टीची टीची की रट लगाई हुई है आपने? लेक्चरर हूँ मैं, और मेरे पेशे को गारत की नजर से मत देखा करें आप। अब्बा, मेरे इंटर में फर्स्ट पोजीशन आई है और तस्वीर भी आई है। ला इधर दिखा मुझे, दिखा ना इधर। तेरी इसमें तस्वीर भी आई है? इतनी क्लियर नहीं आई। मुबारक हो, साहबजादी की फोटो छपी है अखबार में। क्या जरूरत पड़ी थी तुझे अखबार में फोटो देने की? हाँ, वो कॉलेज में एडमिट कार्ड के लिए देनी पड़ी। बस कर, ज्यादा समझना पड़ा मुझे। भाई, इतना गुस्सा करने वाली क्या बात? जब लड़कियों का रिजल्ट आता है ना, तो अखबार में साथ उनकी तस्वीर भी छपती है। क्यों ना करूं गुस्सा? दूसरी लड़कियों की आती है तो आए फोटो, इनकी इज्जत का जिम्मेदार मैं हूं, और मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरी बहनों की फोटोएं अखबार में छपे। ये तो अब्बा ने इसको पढ़ने की इजाजत दे दी, वरना बाकी दो की तरह ये भी इज्जत से घर बैठती। फोटो छपी है इसकी। भाई, ये क्या कर रहे हैं भैया? चल चल, जा जाके जोड़ ले अंदर, चल निकल यहां से। चलो, तुम यहां पर छुपी बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढूंगा। ये लो तुम्हारा तोहफा। सारा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम्हें पता है, तुमने वो काम कर दिखाया है जो मैं भी नहीं कर सका। आज तुम्हारी तस्वीर अखबार में देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपने सब कॉलीग्स को बताया, उन्होंने मुझे इतनी मुबारकबाद दी। इतनी बड़ी कामयाबी को फिर होता है, रो क्यों रही हो? क्या फायदा ऐसी कामयाबी का जब किसी को कदर ही नहीं। जिस अखबार में मेरी तस्वीर आई वो भी फाड़ती, मैं उसको संभाल के रखना चाहती थी। तोहफा तो खोलो, अखबार से हमारे घर आता है। बताओ मुझे, खोलो इसको और रोना बंद करो। ये कामयाबी पे रोता थोड़ी। चलो, इतनी मेहनत से पैक किया था मैंने। थैंक यू। आपको पता, अगर आप हमारी जिंदगी में ना होते ना, तो हमें खुशियां महसूस ही ना होती। अच्छा, तो फिर रोना बंद कर दो। नहीं छोड़ी। गुड गर्ल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या बात है भाई, लड़की की तस्वीर ले रहे थे। वाह वाह, तुम इसी का भाभी है तेरी? अरे
मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई को भाभी मिल गई, भाई को भाभी मिल गई। ये अब्बा सहरा जो है ये मदेल पढ़ने जा रही है, इसके एडमिशन के दाखले की फीस भी होंगे। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, उसे शौक है पढ़ने का, दे दे पैसे। अब्बा जी हमारे खानदान में कौन कोई पहले पढ़ा लिखा है इतना, हमारी माँ कौन सी कोई डॉक्टर और अब्बा इंजीनियर है, और यूनिवर्सिटियों में वैसे भी पढ़ाई कम बेहयाई ज़्यादा, जो लड़की यूनिवर्सिटी जाती है खाली हाथ नहीं आती वहाँ से, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है आपको, बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था उसने। खानदान की कोई लड़की बोर्ड में पहली पोजीशन भी नहीं लेकर आई, अब आप दे दें सारा को ये 4-5 हज़ार, 4-5 हज़ार के लिए उसकी पढ़ाई खत्म ना करवाएं, वैसे भी उसे शौक है और पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। पढ़ना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है अगर जुर्म नहीं है तो, अब्बा जी कोई जरूरत नहीं है, बस कोई नहीं पढ़ाना हमने उसे। लड़की का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, लेकिन ये बात कोई मैट्रिक फेल शायद ना ही समझ पाए। अब्बा आप उसे यूनिवर्सिटी जाने से ना रोकिएगा। क्या कहा तूने मुझे, हाँ क्या कहा तूने मुझे, मैट्रिक फेल ताना दिया है मुझे, हाँ हूँ मैट्रिक फेल, तेरी तरह पढ़ लिख के धक्के नहीं खा रहा मैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मैं, स्कूल में नहीं पढ़ाता। चल रहने थे यूनिवर्सिटी, पता है मुझे है तो मास्टर ही ना, भावे स्कूल हो या यूनिवर्सिटी। क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि इस घर में कोई भी बाशूर और पढ़ा लिखा इंसान ना हो, आपकी तरह मारकुटाई करते रहे सड़कों पे हम, क्यों सायरा को मारा आपने, और वो सुफियान हमारा होने वाला बहनोई है, सबके सामने बीच मोहल्ले में हाथ उठाया आपने उसके ऊपर, चाहते क्या आप? अब बस रहने दे, जितना है तो उतना ही रहा है, आपके सामने बोल रहा है, ये कौन होता है? बस तो अपना गुस्सा झड़ रहा है यार, गुस्सा तो कर। बस मैंने कह दिया नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी, अब जिसने जो करना कर ले। ठीक है कर लेगा जो, तू जा अपने कमरे में जा, सब जा। हर वेले मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तेरे बाद में समझ गया हूं, नहीं रोकता मैं सारा को, तुझे उसका गुस्से का पता है, हमें उससे बहस करता है। ओ अब्बा आपके सामने सब कुछ हुआ, मैंने किया क्या, भाई को तो मौका चाहिए होता है गुस्सा होने का, मजाक बनाया हुआ। क्या कर रहा तू यहाँ पे, पूछ रहा तुझसे यहाँ क्या कर रहा है तू? अशरफ क्या कर रहा है यहाँ पे, और कोई काम नहीं है तुझे, आके लड़कियों में बैठ जाता है, शर्म आती है कि नहीं? इसमें शर्म की क्या बात है, ये लड़कियाँ मेरे लिए पराई थोड़ी हैं, रिश्ता है मेरा इस घर से। यहाँ आने से पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है। और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है, मेरा भांजा है, घर का दिमाग है, उनको इजाजत की क्या जरूरत है? ये मेरा घर है, यहाँ आने से पहले ये मुझसे इजाजत लेगा। अशरफ क्या कर रहा है, बिनोई है तेरा? बिनोई ऐसे होते हैं, और ये इस घर का दमाद बनने के लायक है, हैं? बेला होता है आके लड़कियों में बैठ जाता है, और कोई इसको काम ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा है मुझे, और जितनी आप इज्जत करते हैं इन लड़कियों की उतनी ही मैं भी करता हूँ। जितना तुझे अंदाजा है अभी मैं देख रहा था वहां पे खड़ा होकर। कैसी बातें कर रहे हो अशरफ? ठीक कह रहा हूँ पुफी, उठा उठ, अभी देख रहा था ना तू उसको, देख रहा था ना, देख रहा था तो क्या हो गया, बीवी है मेरी, देख सकता हूँ उसे मैं। तू मेरे सामने बैठ के मेरी बहन के साथ नैन मटकाएगा, और मैं खामोशी से चूसरी लेके देखता रहूंगा तुझे। कैसी बातें कर रहा है अशरफ, मियाँ बीवी में नैन मटक का कैसा, होश में तो हो तुम, है बीवी है उसकी। कैसा मियाँ कैसी बीवी पुफी, रुखसती नहीं हुई अभी, होश में तो है आप, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? मैं दो मिनट लगते हैं निकाह खत्म होते हैं, दो मिनट। क्या हो गया तुझे, कैसी बातें कर रहे, पागल हो गए? हट अब्बा, बताओ बता, आपको क्या लगता है कि बगैर तुम्हें आपकी बातें सुनता रहूंगा, अभी खड़े के खड़े तलाक दे सकता हूँ? अरे नहीं सुफियान, कैसे कर सकते हो? तड़िया किसको लगा रहा है,
मर्द का बच्चा है तो दे तलाक, दे तलाक उसे, दे तलाक, ठीक है देता हूँ तलाक, सब रिश्ता खत्म करके जाऊंगा मैं, दे तलाक, बस कर दे, बोल अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। खुदा के खौफ से डर, डर खुदा के खौफ से, बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया तूने, मेरी बेचारी खतीजा, मेरी बेटी। अब बस कर दे अम्मा, अभी वो जिंदा है, मरी तो नहीं है, जिंदा लाश है, जिंदा लाश। मुझे पता था तू यही करेगा, मुझे पता था कि इस घर से डोली नहीं जनाजे उठेंगे। ये शुक्र नहीं करती तू कि वो मेरे हाथ से बच गया। भाई सुफियान ने ऐसा क्या कर दिया था कि आपने बहन को ही तलाक करवा दी? अब मैंने तेरी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी कि निकाह के नाम पे अपनी बहन का रोमांस देखूं। बाहर वो अलग मुदाखलत करता है मेरे कामों में, मैं नोई बन के हर चीज में टांग अड़ाता है वो। हाँ तो सुफियान से बदला लेने के लिए आपने बहन को तलाक करवा दी, क्या अब आपको बाहर कोई कुछ नहीं कहेगा? तुझे बड़ा दुख हो रहा है डड्डू, हैं? रोना तो उसे चाहिए। मुझे दुख है भाई, क्योंकि खदीजा को तलाक हुई और वो हमारी बहन है। अच्छा ले। अरे जाल बने की वजह से नुकसान हो गया। और बस रहने दे अब्बा, कौन सा डॉक्टर है वो? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में वो नौकर है और जिसे वो क्लिनिक कहता है उससे बड़ा तो 5 सीटों का खोखा होता है। इस घर के लोग तेरे से बेजार है अशरफ, तूने अपनी बहनों पे इस घर की जमीन तंग कर दी है। खुदा का खौफ कर, खौफ कर, डर। सुफियान मेरी बहन का बेटा है, बड़ा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर तो है ना, और नाले वो बेचारे लोग जो है वो कह रहे वो जेल के बगैर ही रुखसती करा दो। हाँ तो यूं कहना अब्बा, तुझे तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, और ये शुक्र कर कुछ लिए दिए बगैर मामला खत्म हो गया। आप यहाँ बैठे हुए हो, तुझे क्या हुआ है? लोग खतीजा की तलाक के बारे में बार बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें, खून खौल उठा है मेरा। वो खून क्यों खौल उठा है तेरा? मुंडी से जबान खींच लेता उनकी। हाँ मुझे क्यों मारा? इसलिए मारा कि मुझे बताने से बेहतर था जो ये बकवास कर रहे थे उनकी टांगे तोड़ देता उसी वक्त। ये सुफियान का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे, बहुत बातें सुनवा रहा है ये मोहल्ले में, करता हूँ कुछ इसका। मुझे जाने दो अशरफ, रास्ता छोड़। कहाँ जाने दो तुझे, कहाँ जाने दो, और तेरे साथ तो हिसाब ही बड़े करने हैं मुझे, बगैर हिसाब किए तो नहीं जाने दूंगा तुझे। देखो मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता, अम्मा घर अकेली है, बीमार है मेरी माँ। पता है मुझे, उसी के तो वापस आने का इंतजार कर रहा था मैं, और तमाशा मैंने नहीं किया है, तमाशा तो तूने किया है, तेरी वजह से पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है हमारी। मैंने कौन सा तमाशा किया है? तलाक दी है तूने मेरी बहन को। तलाक मैंने दी है या तुमने दिलवाई है? दिलवाई मैंने है, दी तो तूने है ना, तेरी वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही वो। मैंने अपनी मोहब्बत को अपनी इज्जत पर कुर्बान कर दिया है। और तेरी मोहब्बत तेरी इज्जत, मैं देख लेता हूँ। उठो इधर आ इसको। दर्दी से मारा है मेरे बच्चे को इसने, पूछ इससे क्या कसूर है उसका। तूने उसको मारा? शुक्र नहीं है करती कि अभी बख्श दिया मैंने उसे, पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया उसने हमें, वो तलाक वाली बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई है। सुन रहे हो मुनीर अहमद, ये मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है। तूने ऐसा क्यों किया? हा? बस कर दे अब्बा, तुझे पता नहीं है अपनी बहन का, बात बात पे तो रोती है वो। खुदा के कहर से डर अशरफ, खुदा के कहर से डर, मेरा बच्चा बेकसूर है मुनीर अहमद, ये अपना गुनाह उसके सर थोपना चाहता है। अब बस कर दे, अब बस कर दे, या माफ किया तेरे सुफियान को, अब रोना बंद कर ये ड्रामा।
माफी तो तुझे खुदा भी नहीं देगा, तरसेगा तू माफी को। देखना पहले के बहन का घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। माफ करने से हम इसको समझा लेंगे, समझा देंगे। ना रो अब्बा, पहले तेरी तबीयत खराब है। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे क्या। और देखना अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। हो गई दुआ? और मौलवियों से ज्यादा लंबी नमाज पढ़ती है तू अम्मा। ये देख अम्मा, ये कैसी है बहू है तेरी। क्या हो गया तुझे अशरफ? तूने बहन की तलाक करा दी, अपनी शादी करने चला, और तेरी तीन बहनें कुंवारी बैठी घर में, उनके बारे में सोचना। हो जाएंगी उनकी भी शादियां, मेरे बारे में तो नहीं सोचती तू। मेरी भी तो उम्र निकली जा रही है, तू नहीं चाहती कि मेरा नमाज जनाजा कबूल हो। ये जो है ना, हमारे पड़ोस में नए प्रोफेसर साहब आए हैं, ये उनकी बेटी है, तू रिश्ते वाली खाला को बुलाना, रिश्ता लेके जाए मेरा इनके घर। हाँ? क्या कहती है? तेरी पहले भी दो मंगनियां हुई थी, दोनों मंगनियां टूट गई। हाँ तो कसम खा के बता, वो लड़कियां थी मेरे जोड़ की? ये है जोड़ की। आहा, कमाल हो जाए ईमान से अगर इससे शादी हो जाए। हो जानी है, बस क्या हो गया तुझे? लगता तू मुझसे प्यार नहीं करती है, और शक्ल पे लिखा है तेरी। छोड़ ये। आहा, फिट है, फिट है। बड़ी जोर से दिल को लगी है अम्मा। बेचेगी ना खाला को? बुला लूंगी खाला को। ये हुई ना बात, आज लगी है कि तू मेरी माँ है। वाह रे वाह, पटाखा है ये। बस मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब नहीं है? वो क्लास लेने गए, अभी आ जाएंगे, आप बैठे। थैंक यू। आप यहाँ पर? मेरी 1 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर मैं और बाबा साथ घर जाते हैं। अच्छा, तो आप अकेले घर जाने से डरती हैं? नहीं, मैं तो नहीं डरती। हाँ, बाबा डरते हैं। मेरे ख्याल में किसी भी औरत को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि औरत जितनी बहादुर होगी मुआशरा उसे उतनी ही इज्जत की निगाह से देखेगा। आप बहुत एथिकल वैल्यूज रखते हैं, मैं उस दिन आपकी सोच से बहुत मुतासर हूँ। थैंक यू। मैं हर उस शख्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज को अहमियत देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अभी भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो औरत को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करते हैं, और इस तरह औरत मर्द से डरती रहती है। तो क्या लड़की को किसी गुंडे से भी नहीं डरना चाहिए? गुंडा? जो आवारा से लोग होते हैं, जिनको किसी चीज की तमीज नहीं होती। तो क्या आपको गुंडों से डर लगता है? लड़की हूं ना, बाहर से मैं कितनी भी बहादुर लगूं, लेकिन हर औरत की तरह डर का एक कोना मेरे अंदर भी है। अपने लिए नहीं डरती, अपने माँ बाप के लिए डरती हूँ। बहन सभिया, बड़ा ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ मुनीर अहमद के घर से, अपनी इफ्रा के लिए बिस्मिल्ला करके। हाँ हाँ, हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, उनके बेटे का रिश्ता लाई? हाँ जी। सलाम अलैकुम जी, बिस्मिल्ला करके। वालेकुम अस्सलाम। इतना इंतजार तो मैंने जिंदगी में कभी किसी का नहीं किया जितना आज मैंने तेरा किया। बोल, क्या खबर लाई? ओ जी, खबर? ओ बोल ना, क्या खबर लाई है? वो जी, उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया।
दिखा कर दे। सुन रहा है अब्बा, शराफत से रिश्ता भेजा था उस प्रोफेसर को, इज्जत की जुबान समझ में नहीं आई। वो जी वो भी यही कहते हैं कि हम अपनी लड़की का रिश्ता किसी इज्जतदार और शरीफ आदमी से करेंगे बिस्मिल्लाह करके। तो वो मुझे बेइज्जत समझता है? वो कोई गली में पड़ा हुआ फकीर नहीं हूँ मैं, गली से गुजरता हूँ तो सरस सलाम ठोकते हैं, अशरफ भाई गुजर रहा है, मैं देखता हूँ उनके घर में कोई शरीफ ज्यादा कैसे रिश्ता लेकर आता है। हटा कहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा आप चलें फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरा दिल खराब। मुझसे? जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके भी दो चेहरे होंगे। क्या मैंने ऐसा क्या किया? आपको क्या लगता कि मैं किसी सड़क छाप गुंडे से शादी करूं? नहीं। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हो? पता नहीं आप क्या कह रही हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और शायद आप मुझे ठीक तरह से समझी नहीं। मैं ना तो गुंडा हूँ और ना ही सड़क छाप। फिर आपके भाई का रिश्ता कैसे आ गया? मेरा भाई? जी, आपका भाई अशरफ मेरा पीछा करता है, मुझे छेड़ता है और अब उसने मेरे घर रिश्ता भेज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अशरफ भाई का रिश्ता आपके लिए भेजा गया है और ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। तो पता लगाएं, अगर किसी और नाते से नहीं तो इंसानियत के नाते से। मेरे माँ बाप बहुत परेशान है। इफ्रा, और अगर मैं किसी और तरह पता लगाने की कोशिश करूं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हेलो हेलो। जी मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। जी वो मैंने आपसे ये कहना था कि मैंने अम्मा से बात की है और वो खासी परेशान हो गई हैं। वो परेशान हो गई क्या मतलब? जी मेरा मतलब है कि अम्मा परेशान हो गई हैं कि मेरा आपसे ताल्लुक, इफ्रा मुझे अब इफ्रा मुझे आपसे मोहब्बत है। लगी वाले ते अख नहीं ना दे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई, बैके रातों ते अखा च लगा दे, हाँ बैके रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी किवें अख लग गई। लगी वाले ते अख नहीं ना दे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। ठीक है अब्बा, गाड़ी हटाओ आगे से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तब्दीली लाया था थोड़ी सी अपने अंदर, तुम सोचा के आपको भी दिखाऊं। गाड़ी हटाओ सामने से। हाँ हाँ गाड़ी मैं हटा लूँगा, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन खुद को नहीं हटा पाऊँगा, बस थोड़ी सी नज़र करम चाहिए आपकी। देखिए ये पूरी गली और ये मोहल्ला ये सब आपकी इज्जत करेंगे जैसे ये मेरी करता है। आखिर को
आपका दामाद बनने जा रहा हूँ मैं, कोई मजाक तो नहीं है ना? देखो अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अरे अबू जी खुदा का वास्ता है, इतना गुस्सा मत कीजिए, बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। हद से तो मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन इंतहा आपकी बेटी है जो मुझे हर सूरत में चाहिए। अंदर बैठो। क्या हुआ शर्मा गए? अच्छा 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 लगा। अब आप लोग दोबारा वहां क्यों जा रहे हैं? आप जानते हैं कि प्रोफेसर साहब इनकार कर चुके हैं। क्या बजों वाली बात कर रहे हो? असल मेरा बेटा है और ये रिश्ता मुझे हर हाल में चाहिए। वाह वाह, अगर अशरफ आपका बेटा है तो मैं भी आपका बेटा हूँ। अगर आप अशरफ का रिश्ता लेके जा रहे हैं तो मेरा भी रिश्ता लेके जाएं, क्योंकि मैं इफ्रा को बस... माफ खराब है, ये तुम्हारी पसंद बीच में किधर से आ गई है? अशरफ इफ्रा को चाहता है। लेकिन इफ्रा अशरफ को नहीं चाहती, और मैं प्रोफेसर साहब को जानता हूँ, वो अपनी बेटी पे कभी जबर नहीं करेंगे। क्या हो गया तुझे? कैसी दुश्मनी की बातें कर रहा है तू? ओ अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अशरफ का रिश्ता लेने से इनकार कर दिया तो आप लोग मेरी बात कर दें। इलामात, कैसी बातें कर रहा है तू? तू अशरफ को नहीं जानता? तू भाई भाई में दुश्मनी बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बेटा तू? तुझे पता है अशरफ तुझे कत्ल कर देगा, तेरी जान ले लेगा, ना कर ऐसे। क्या कर रहा है? अशरफ तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका तुमसे बहुत हक है, और मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि प्रोफेसर जो है वो दो भाइयों के दरमियान मुआवजा करे। और पता क्यों? क्योंकि इस घर का सुकून सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अब्बा, जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो? बीच में टांग मत उड़ाओ, मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं मांगूंगा, क्योंकि यह अशरफ के साथ जाती होगी। तुम जानते हो कि प्रोफेसर जो है वो तुम्हारे रिश्ता को फौकियत देगा, और अगर यूं हुआ तो इस घर में क्यामत आ जाएगी। सही कह रहे हैं अब्बा आप, क्यामत तो वाकई आने वाली है, क्योंकि एक काबिल बेटे की काबिलियत तो शराफत उसके लिए गाली बन गई है, और एक बदमाश बेटे की बदमाशियों को छुपा के आप गलत का साथ दे रहे हैं, ये ज्यादती नहीं है तो और क्या? कभी मेरे फर्स्ट आने पर आप फख्र महसूस किया करते थे, मेरी कामयाबी पे आप खुशी का इजहार करते थे, लेकिन अब उस काबिल बेटे की ख्वाहिश आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है। तो मेरे लिए उतना ही अजीज हो जितना कि अशरफ। नहीं अब्बा, मुझे अंदाजा हो गया, अशरफ की दादागिरी और बदमाशी से कमाया हुआ पैसा मेरी शराफत को जाहिर नहीं होने देगा। आप ना अशरफ से डरते हैं आप अशरफ से। कितना अर्सा हो गया आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया, मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं हुए, सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। सही कहते हैं अब्बा, पैसे और बदमाशी में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। कितना बदनसीब बच्चा, अपनी जिंदगी पहली दफा कुछ मांगा तो मांगा भी क्या? मुझे आपके आने की बेहद खुशी हुई है मुनीर भाई। दरअसल जिंदगी में मसरूफियात इतनी बढ़ गई हैं कि मिल बैठने का मौका ही नहीं मिलता। बस आप देखना जी, वो बस मस्जिद की वजह से हमारी मुलाकात हो जाती है, वरना आजकल की दुनिया में तो ऐसी इतनी नफसा नफसी है कि। और सुनाए शकीला बहन, बच्चियां कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आप इफ्रा को बुलाए ना। जी जी, मैं बुला के लाती हूँ। भाभी आप अगर एक मिनट बैठ जाएं, आपकी मौजूदगी में मैं प्रोफेसर साहब से बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, हम आपके पास अर्जी लेके आए हैं। मुनीर भाई, उस अर्जी का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना फैसला जो है इस पर ज़रा मज़ीद और सोचें।
आपके घर के साथ मैं अपने घर का किसी ना किसी तरह रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। अशरफ मेरा बड़ा बेटा है। मुनीर भाई, कौन से माँ बाप अशरफ को अपनी बेटी देना चाहेंगे? आप खुद समझदार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दें मेरे सवाल का। मेरे इस फैसले में हाँ की कोई गुंजाइश नहीं है मुनीर भाई। इफ्रा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके लिए कोई पढ़ा लिखा शरीफ लड़का चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, मैं किस बिना पर अशरफ को अपनी बेटी दूँ? मैं बाप हूँ, अशरफ मेरा बड़ा बेटा है। नहीं, ये जमानत काफ़ी नहीं है मुनीर। ठीक है जी, अशरफ बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने प्रोफेसर साहब जब आपकी बेटी पसंद की और उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ ईमान से, मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ है। और मैं, मेरी खुद यही ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है मुनीर भाई, मैं हम्माद को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। बेटा तो उसे मैं पहले भी मानता हूँ, अब इफ्रा से उसका नाम जुड़ जाएगा तो मेरे और करीब हो जाएगा और फिर आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। राजा साहब, अशरफ के होते नामुमकिन है, वो इसे कभी मंजूर नहीं करेगा, और फिर मैं उसका बाप हूँ। मुनीर भाई, मैं आपको खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता, इसीलिए आपकी पेशकश के जवाब में अशरफ की बजाय हम्माद का नाम लिया मैंने, इस तरह आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। और फिर अशरफ अगर आपका बेटा है तो हम्माद भी तो आप ही का बेटा है। अगर अशरफ आपका बेटा है तो मैं भी आपका बेटा हूँ। कितना अच्छा हो गया, आपने मुझे अशरफ के खौफ की वजह से गले से नहीं लगाया, मुझे सराहा नहीं है, मेरी कामयाबी पे आप खुश नहीं है, सिर्फ उसके खौफ और उसके डर की वजह से। मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ, अब हम्माद और अशरफ में फर्क कर ले, मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। बाप हूँ साहब, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ जी, ठीक, मैं आपसे हम्माद के लिए इफ्रा का रिश्ता मांगता हूँ। अरे भी देख क्या रही हो बेगम, मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ सबका। भाई यार, देर बहुत ज्यादा हो गई है। साढ़े दिल ते छुरियां चलाइया, सानू कटिया वांग कसाइया, तो बह गए असी दिल फड़के जद मोरा वांगू पहला पाइया। आ जाओ आप, चन वर्गा पवे मंगल। अब्बा, हाँ हो गई ना बात पक्की, मैंने कहा था ना। और देख, मैं तुझे कहा था ना प्रोफेसर मान जाएगा, मान गया प्रोफेसर। ओ शकर की मिठाई किधर है? मिठाई का बंदोबस्त करना तूने, मैं भी मान गया ना अब। हाँ, बात पक्की हो गई, लेकिन तेरी नहीं हम्माद की। वो प्रोफेसर ने कहा है कि वो हम्माद को अपना दामाद बनाएगा। ये क्या कह रही है तुम? ये कह रही है तेरी माँ, उन्होंने हम्माद से रिश्ते में हामी भरी है। कैसी बातें कर रहा है तू अब्बा? और तू तो मेरा रिश्ता मांगने गया था, तुझे तो पता है कि मैं इफ्रा से मोहब्बत करता हूँ। तुझे किसी सूरत में रिश्ता नहीं लेना चाहते भाई, मैं क्या करा? नहीं, ऐसे कैसे नहीं रिश्ता देना चाहता वो? और प्रोफेसर ने खुद जो रिश्ता है इफ्रा का मंसूब किया हम्माद के साथ, मैं कैसे इनकार करता? उन्होंने मुझे रिश्ता देने से इनकार किया और तू हम्माद का रिश्ता दे आया। वाह वाह वाह, बड़ी इज्जत दी है तूने मुझे। देखो, मुझे जो समझ आई वो मैंने किया, उन्होंने हम्माद के लिए रिश्ता किया, मैं कैसे इनकार करता? तेरी वजह से इनकार करता, यार अपनी बेइज्जती करके आ जाता वहां से। है एक बात याद रख अब्बा, मैं ये रिश्ता नहीं कभी होने दूंगा भाई। कम से कम तू हम्माद से तो इनकार करवा सकता है अब्बा। सब मैं
हमारे का कोई कसूर नहीं है। बात मेरी सुन, हमारे के इनकार करने से वो तेरे से रिश्ते के लिए नहीं मान जाएंगे, उनकी बेटी है, उनका पूरा पूरा हक है। जिधर वो शादी कराना चाहते हैं वहां वो करवाएंगे, इसमें जबरदस्ती नहीं हो शादी। पहली बात तो ये है अब्बा कि मैं इफ्रा का रिश्ता किसी और से होने नहीं दूंगा, और अगर हो भी गया ना तो उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिससे वो शादी करेगी। अच्छा भाई बस कर। बोलो, किसी भी सूरत में तुम्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं थे। तुम बड़े हो, सुनने की कोशिश करो। ओ कैसे माँ बाप हो तुम, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे तुम छोटे से मंसूब कराए हो, और आज आज फिर से इसने मेरी पसंद पर डाका डाला है। हम तुम्हारा रिश्ता लेकर कैसे, लेकिन उनकी नजर बात पे थी। वो प्रोफेसर के साथ पढ़ाता है, माँ वो उसको पसंद करता है। उन्होंने कहा कि हम इससे रिश्ता करना चाहते, मैं किस तरह इनकार करता है। इस डड्डू की शराफत ने ना मुझे एक मरतबा फिर से हरा दिया है। ये बचपन से ही मेरी चीजों पे हावी हो जाता है, छोड़ूंगा नहीं इसे। मैं भी देखता हूं कि कैसे ये करता है शादी वर्ष। जरूरत नहीं है इनकी, खत्म हो गई इनकी जरूरत। हमार भाई किसने मारा है ये तुम्हें, किसने हाल किया तुम्हारा? रुबाब हमार के लिए पानी लेकर आओ। बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है ना इसकी, कभी मेरी तकलीफ महसूस की किसी ने? कभी कोशिश ही नहीं की किसी ने मेरी तकलीफ महसूस करने की। ये दौड़ दौड़ कर इसको पानी पिलाना, इसके हाथ पैरों को सहलाना, इसका माथा चूमना, बहनों का प्यारा हमाद, अम्मा का लाडला हमाद, तेरा लाइक बेटा हमाद, और मैं अशरफ बुरा बुरा है ना, नालायक। तेरी मार कभी नहीं मैं भूला पा, ये बचपन से लेके अब तक मेरे एक हिस्से का प्यार मुझसे छीनता रहा है। एक बात बता अब्बा, ना पढ़ने वाली औलाद को मार देना चाहिए है? अरे अगर आज मैं जानवर हूं तो तुम सब लोगों की वजह से बना, तुम सबने मिलके जानवर बनाया है मुझे। जाहिल हूं
बुरा हूं, बस ऐसा ही हूं मैं। अगर तुम सब चाहते हो ना कि इसका जनाजा इस घर से ना निकले तो समझाओ इसे कि ये इफ्रा का पीछा छोड़ता है। यही बेहतर है इसके लिए। नहीं करूंगा मैं इनका। अशरफ भाऊ, घर में कोई नहीं है, खाली है घर। क्यों, किधर गए सारे घर वाले? वो अहमद भाऊ का निकाह हो रहा है प्रोफेसर की बेटी के साथ, मुझे चौकीदारी पे बिठा गए हैं। अशरफ भाऊ, और किसी के हाथ मेरा खाना भी दुआ देना पिता। Thank you.
खाना दे, कपड़े पहने। किस लिए? वो नहीं चाहती कि मैं बाहर आऊं, जो इधर ही भिजवा दिया सब कुछ। ऐसा जो हमारा वाकिफ है, नहीं तो सलाखों के पीछे होना था तुम्हें। सारे घर में बड़े परेशान हैं। हम आज खुद आना चाह रहा था, अचानक फोन आ गया कॉलेज से। मुझसे ज्यादा फिक्रमंद है तेरे बारे में। एक बेटे के निकाह का जश्न मना रहा है और दूसरा वहां थाने में पड़ा सड़ रहा है। तुझे तो मेरी कभी परवाह ही नहीं हुई अब्बा। लगता नहीं कि मैं तेरा बेटा हूं। मुझे अंदर करवा के तू तूने इसका निकाह करवा दिया। जानबूझ के तूने मेरी जमानत नहीं करवाई अब्बा, जानबूझ के। जानना ले तू तेरी मां। छोड़ो अशरफ, छोड़ दे इसे। शौहर है ये मेरा, हाथ ना लगाना इसे। हाथ लगाने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। वसल विच भी हिजर नू याद रख दी, वसल विच भी हिजर नू याद रख दी। आशिक खुशी विच गम नहीं भुला दे, आशिक खुशी विच गम नहीं भुला दे। नी तेरी किवें अख लग गई वाले ते अख नहीं ला दे, नी तेरी किवें अख लग गई। अशरफ लेटी रहा। अशरफ किधर था तू? इतनी फिक्र हो रही थी तेरी, किधर चला गया था? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे। ओए कहाँ था तू? आवारा बेटा हूं तेरा। मेरे यहां होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? और मेरी इतनी परवाह ही तुझे कब है? मैं बकवास ना कर। मैं पता है कैसी मुश्किल घड़ियां गुजरी है हमारे लिए। पता है मुझे। और ठीक कह रहे तू, करता तो मैं बकवास ही हूं हमेशा अब्बा, इसीलिए तो मेरी इतनी परवाह करता है। हमेशा तो गलत ही समझना है। गलत समझता हूं? बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं। मुझे वहां छोड़कर तूने यहां हिमाद का निकाह करा दिया, मेरा इंतजार भी नहीं किया, ये परवाह है तुझे मेरी? और मुझे पता है कि तुम दोनों क्यों इस तरह बैठे हुए यहां। कोई चूचा नहीं हूं मैं। तुम दोनों को यह फिक्र है कि कहीं मैं हमाद को कुछ कर ना दूं।
जितना फर्क डाल दिया ना तुम दोनों मियां बीवी ने हम दोनों भाइयों में, लिख लो कि एक दिन हम में से किसी एक को खो दोगे तुम दोनों। इज्जत छोड़ो एक। मैं तो ये इज्जत नहीं छोड़ सकता, इफ्रा को हर कीमत में मैं ही हासिल करूं। बाप अपनी बेटियों के लिए ढाल होता और फिर किसी भी भाई को अपनी बहनों पे हुक्मरानी करने का मौका नहीं मिलता। अशरफ भाई को ये सारे हक जो है ना अब्बा नहीं दिए। लेकिन इतनी तेज आवाज में बात करना हमाद। अशरफ भाई को ना बहनों पे सख्ती करने की आदत पड़ गई हुई है और कोई बात नहीं। अब्बा ने हमेशा यही समझा है कि अशरफ भाई उनकी बेटियों के लिए जो भी फैसले करेंगे वो सही होंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा हमाद, इस तरह से चिल्लाना और वो भी एक फिल्म के ऊपर, जैसे फिल्म देखना गुनाह हो। तुम्हें तो नहीं कुछ कहा उन्होंने? कहा था लेकिन मैंने उसी वक्त उनको जवाब दे दिया। आपके सामने भी तो इतनी दफा गुस्सा करते। अशरफ भाई को अजीब चिढ़ है मुझसे, जैसे उनको मुझसे नफरत हो। मोहब्बत जब हद से बढ़ जाए ना इफ्रा तो नफरत बन जाती है। नफरत भी मोहब्बत की एक सूरत ही है। अशरफ भाई अपनों को इस जुनून से जाते हैं इफ्रा कि उनका एक एक लफ्ज तकलीफ का बायस बनने लगता है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आज अब्बा ने अपनी बेटियों को अशरफ भाई के सामने बर्तरी दी, उनकी ख्वाहिशात का ख्याल किया। भले अशरफ भाई इस घर के बड़े हैं लेकिन तुमसे कोई बदतमीजी करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर बीइंग देयर हमाद, मैं आपके दम से हूं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा इफ्रा। आई लव यू हमाद। I love you too, Ifra. हाँ क्या बात है, वो ले आया किराया? चल तुझ मैं आता हूँ। भाई नहीं, मैं घर पे सामान देने गया था, मेहमान आए हुए हैं। कौन मेहमान? ओ बोल, तेरे मुंह पे ताला क्यों लग गया है? भाई वो सायरा का रिश्ता तय हो रहा है। किससे? बात के घर वाले आए हुए। सायरा का रिश्ता तय हो रहा है और तू मुझे बताने में नखरे कर रहा है? भाई मैं खुद सायरा से शादी नहीं करना चाहता, मेरी छोटी बहनों की तरह है, ना वो राजी है ना मैं राजी हूं। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ये जिद खत्म कर दें। मेरे टुकड़ों में पल के मुझे ही जवाब दे रहा है, इतनी जरूरत हो गई तेरी? मना नहीं कर रहा, जहां दिल चाहे शादी कर दे, मगर सायरा से नहीं, उस बच्ची पे जुल्म होगा। तेरा काम नहीं है इन मामलों में बोलने का, अपना मुंह बंद रख। और हाँ, ये जो मुंह है ना, ये अम्मा और अब्बा के सामने नहीं खुलना चाहिए, वरना तोड़ दूंगा इस समय। मैं किसी और को पसंद करता। सुनता हूँ तेरी राम कहानी आकर, पहले उनको शैंपू कर लूं। अब तो ठीक है मुनीर साहब, फिर अगले हफ्ते शादी तय है। आपका मुबारक हो रजा साहब। खैर मुबारक,
हम तो अपने बेटे की खुशी चाहते हैं बस। जी आपने ठीक कहा, औलाद की खुशी हमेशा मजबूर कर देती है। बजी ये जाओ सवे से अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब अजीब मैं पास सुनता हूँ ना, मेहमान आए हुए, कमरे में जाओ फिलहाल। हेलो हेलो, मैं कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारे घर वाले मान गए। पता है उस दिन जब अंकल ने मेरे से शादी की बात की तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो एम आई। खुशी का एहसास इतना मुकम्मल है ना कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इजहार को। ठीक कहा तुमने। इस रिश्ते से अंकल आंटी खुश तो है ना? ऑफ कोर्स, तभी तो आए थे। देखो सायरा, अब हमारी बात पक्की हो चुकी है, तुम अब क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? बस ऐसे एक ख्याल था। देखो सायरा, तुम प्लीज अब परेशान होना बंद कर दो, तुम्हें अशरफ से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम शादी के बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हो, दिखा दो अशरफ को कि तुम कमजोर नहीं हो। बाद मुझे लगता है मैं हार कर सब जीत गई हूँ। पता है पहली बार मुझे तुम कब अच्छे लगे थे? हाँ हाँ, कब? जब अशरफ भाई से बचाने के लिए तुम मेरे लिए खड़े हुए थे। अरे वाह, प्यार भी हुआ तो मेरी पिटाई देखने के बाद? उस दिन पहली बार एहसास हुआ था कि मर्द तहफ्फुज़ भी देता है। तुम फिक्र मत करो सायरा, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, आई विल बी अ वेरी वेरी केयरफुल एंड केयरिंग हस्बैंड। तुम्हारी परेशानी और इस कैद खाने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। वापस बाय। ओके, ये 70,000 और कुछ पैसे बैंक में अकाउंट में पड़े हैं, कल जाके सायरा के लिए कुछ छोटा मोटा सोने का सेट खरीदते हैं। आप इनको रखें, एक मिनट। ये ले, ये मेरे 3 सेट हैं, बिल्कुल नए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप सायरा को दे दें। पागल तो नहीं हो गई? ये सेट तुम्हारे हैं, ये सायरा को क्यों देंगे? इस पर तुम्हारा हक है भाई। बिल्कुल हमाद, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। मैं आपको दिल से कह रही हूँ आप सायरा को दे दें। और वैसे भी इस जेवर की कीमत आपके और सायरा के रिश्ते से ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ इफ्रा तुम दिल से कह रही हो, लेकिन फिर भी ये जेवर मुझे अच्छा लगेगा। हमान, सायरा मेरी बहनों की तरह, आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको दें। क्या कहूँ, तो बताओ इफ्रा, मेरा दिल चाहता था कि मेरी बीवी मेरे घर वालों के साथ खुल मिल के रहे, बिल्कुल अपनों की तरह। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। एक ये ड्रेस है और ये रहा दूसरा ड्रेस, कौन सा ज्यादा अच्छा है? मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है। मगर मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है, इसकी कढ़ाई देखो कितनी खूबसूरत है। अच्छा अब्बा, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? मैंने नहीं पता कौन सा अच्छा है, बस दो, आप लोगों के पसंद लो बस। अच्छा बस ठीक है, अब दुल्हन को ये पसंद है तो यही फाइनल है। वैसे है प्यारा। ये सब क्या तमाशा बना रखा है? उठाओ ये कचरा, चलो लेके जाओ अपने कमरे में, चलो उठाओ। ये कचरा नहीं है,
आपकी बहन का जहेज है, उसकी शादी होने वाली है, आपको खुश होना चाहिए। आपको तो हमेशा की तरह गुस्सा। खुशी तो मेरी उसी दिन छिन गई थी जब ये आई थी हमारे घर में। ये आप किस तरह बात करें? आप जानते हैं इफ्रा मेरी बीवी है। पता है मुझे कि तेरी बीवी है, लेकिन किसी के हिस्से की भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी ना। किस नुकसान की बात करें, कैसी भरपाई? इस घर में आज तक जो भी बुरा हुआ है ना अशरफ भाई, वो आपकी वजह से हुआ, उसके जिम्मेदार आप हैं, सब जानते हैं। लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी से आप ऊंची आवाज़ में बात करें। हर वक्त का गुस्सा, हर वक्त का तमाशा, पता नहीं आप चाहते क्या है? किस बात का है तुम्हें? ये जो आपका गुस्सा और आपकी नफरत है ना, एक दिन आपके लिए पछतावा बन जाएगी अशरफ भाई, उम्र भर का पछतावा। और शर्म करो, क्या हो गया तुम्हें? बहू है, बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ, तुम लोगों का आपस का फसाद नहीं खत्म होता, चाहते क्या हो तुम अशरफ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह वाह, बड़ी तैयारी हो रही है। कैसा अच्छा इंतजाम करवाया ना, फूफा ने कहा था, फूफा ने कहा था सारा की शादी है धूमधाम से करेंगे। और फूफा ने तो खाम खा इतना खर्चा कर दिया आया, इतनी खुशी की क्या जरूरत थी जब गम का डर हो। हाँ भाई, खुशी का मौका गम कैसा। चले, आपको फूफा बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मिल लेते हैं तेरे फूफा से भी। तेरा कहाँ नहीं टाला मैं फूफा, मेरा दिल खुश किया अशरफ, तूने अपनी सारी रंजिशें दूर करके मेरी बात मानी है, हमेशा मेरा सर ऊंचा किया तूने। मैंने कहा चल के अपने अब्बा की खुशी बांट लूँ। है इबाद को फोन करें, पता करें कहाँ रह गया, वो देर हो रही है। करता हूँ अभी फोन उसे। हेलो बेटा, तुम्हारा बनाओ सिंगार मुकम्मल हो गया तो आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं बस पापा 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ यार, सॉरी माँ पहले गुस्सा हो रही है। उनसे कहें कि मैं बस आने वाला हूँ, परेशान ना होएं, आ रहा हूँ मैं बस। ओके बेटा, टेक केयर। आ रहा जी आपका बरखुरदार। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? क्या हुआ? उसने निकाह से इनकार कर दिया। क्या है किधर और इनकार की वजह? मुझे क्या पता, सारा खानदान जमा। मैं तुमसे पहले कह रहा था कि ये अभी छोटा है, ना समझ है, इसका कोई भी फैसला अटल नहीं हो सकता। खानदान को तो संभाल लेंगे, अब आप दोबारा उसे मैसेज करें, करें ना। ओए, तेरा बाप पूछ रहा है आर यू इन योर सेंसेस? मुझे फोन दे दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चाहते क्या तुम? क्यों क्यों चाहते क्या? मैं तेरी शादी नहीं होने देना चाहते, आई बात समझ में? <laughs>
ओए तेरा बाप आज मैसेज खेल रहा है। नहीं पापा, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। मैं तब घर आऊंगा जब आप शादी से इनकार कर देंगे। तुम ये बात क्यों नहीं करवा देते एक बार उनसे? शट अप! कोई बात नहीं करवा रही तेरी, नहीं करवा रही। आज के बाद अगर तुमने बात करने की बात की ना तो तेरी जुबान तुम्हारे मुंह में नहीं रहेगी। आई बात समझ में? नहीं करेगा ये निकाह तुम्हारा बेटा। अगर यही सब कुछ करना था तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब मैं करती हूँ फोन उसे। इसको तो मैं बंद करता हूं ना जरा। नंबर ऑफ कर दिया उसने। अच्छा अब तुम बताओ साजिदा, इन हालात में क्या करना चाहिए हमें? बताए ना, कब तक आएंगे? अब तो लोग पूछ पूछ के भी थक गए, उन्हें कहना जल्दी आए। जल्दी आए? मैं फोन किया, मैंने दो बार फोन किया, रजा भाई ने फोन उठाया, नाली उठा के कहते हैं आ रहे हैं, बस रख दे यार फोन, फिर आगे नहीं उन्होंने बात की। तो क्या कहूँ लोगों को? आज तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान हो जाएगी। खुदा का वास्ता तुझे जाने दो, क्या चाहते हो मेरे से? बेटा ये सब तो पहले से तय था, अब तू जाकर क्या करेगा? रजा आप भी तो यही चाहते थे, वो अलग बात है कि मौका उसने गलत चूज किया है। मेरा ख्याल है कि लड़की के बाप को बता देते हैं। वक्ती तौर पे तलखी जरूर होगी लेकिन हमेशा के लिए जान छुप जाएगी हमारी। मैं मुनीर भाई को फोन करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत तो किसी और की दुल्हन बन जाएगी यार। नहीं, मैं से नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। रोकेगा तू रोकेगा, रोक के दिखा। आपका बार है, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं अभी आप? मुनीर साहब मैं नहायत माजरत से अर्ज करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये खबर आपके लिए बुरी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। आप आ रहे हैं ना? माफ कीजिएगा मुनीर भाई, हम निकाह के लिए नहीं आ सकते क्योंकि इबाद ने निकाह से इनकार कर दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? इनकार कर दिया? ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए मुनीर साहब, मैं आपसे माजरत कर चुका हूँ। आप यहाँ दुल्हन सजी बैठी है, पूरी तकरीब जो है सजी हुई है और आप मुझे कह रहे हैं कि जी माफी चाहता हूँ, इनकार कर रहे हैं आप कि आपके बेटे से भूल हो गई है, ये कह रहे हैं आप मुझे? देखिए मुनीर साहब, मेरा बेटा इबाद इस निकाह से इनकार कर चुका है और ये बच्चों की प्यार की कहानियां इसी तरह खत्म होती है। ना कोई फैसला पुख्ता होता है ना कोई इरादा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम निकाह के लिए नहीं आ रहे। यहाँ मेहमान बैठे हैं जी, मेरे अजीज, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपकी राह ना करें, आप बात सुने समझे जी। आप मैं मतलब है कि मैं आपको अब क्या कहूँ, खुदा के लिए आप ये बात को समझाएं उसको कि हमें जिल्लत से बचाएं। देखिए मैं ये बात को इस निकाह के लिए मजबूर नहीं कर सकता, हमने तो उसकी जिद मान ली थी पर अब वो खुद अपना फैसला बदल चुका है, इसलिए आई एम सॉरी। क्या कहा?
क्या कहा उन्होंने? नहीं आ रही। क्या हुआ है? परेशान लग रहा है बाप। इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? किस्मत को रो रही है। अब इस घर से डोली कभी नहीं उठेगी। क्या मतलब डोली नहीं उठेगी? क्या हुआ? अब्बास के घर वालों ने निकाह में आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? ये क्या नई कहानी शुरू हो गई है? मेहमान आ चुके हैं, घर सजा हुआ है, दुल्हन तैयार है, उन्होंने इनकार कर दिया। अब्बास शादी नहीं करना चाह रहा, उसने इनकार कर दिया। मुकर गया ना कमीना, ले लिया ना बदला उसने। वो जो उस दिन वो बाप को लेकर आया था ना यहाँ पे, और जो तमाशा किया था उसने, उसी का बदला लिया है उसने। बदनाम करके गया है वो हमें। ये तो तूने मुझे रोक लिया उस दिन, वरना उस दिन उसको खत्म कर देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। शोर मत मचा। क्या शोर मत मचा? ओए सबको पता चल जाएगा अभी। यूं यूं बात आउट होती है। लड़ने झगड़ने से क्या इसका हाल सोचो। हाल तो तुझे मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन तूने मेरी माननी कब है? तुझे तो वो अपनी बेटी की खुशियां, उसकी ख्वाहिशों की पड़ी रहती है। अब भुगत बैठ के। तुझे जो मैं कह रहा हूँ वही हल है इस बात का। देख अपना लड़का है वो, घर की इज्जत घर में रहेगी, उससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। अभी उसको भी जाके मनाना पड़ेगा मुझे। बोल क्या कहता है? वो मनाऊ से बोल। बात इनकार कर दी। ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो इस तरह नहीं कर सकता। ऐसा कितना बेबस है, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अभी तेरी दुल्हन किसी और की मनकुआ बन जाएगी। ये क्या कर रहा है? तो बहस झगड़ा नहीं करना अशरफ, फैसला हो चुका है। सुफियान को मैं अपना दामाद बना रहा हूँ। सारों की यही मर्जी है, मेरी बेटी की भी यही मर्जी है, समझ आई ना? चले जी मौलवी साहब, जगह अपनाए, चले चल जा, बचा ले अपनी मोहब्बत को। मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो प्लीज, मुझे जल्दी पहुंचना है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुना है जब मंजिल पे पहुंचने की जल्दी हो तो इंसान को पर लग जाते हैं, और किसी की मोहब्बत में भागने का मजा ही कुछ और है। भागो भागो। चाबी दे दो मुझे। यार अजीब आशक है तू, वो तेरी दुल्हन किसी और की बीवी बनने जा रही है और तू चाबी चाबी कर रहा है और पाई तस्बी कर रहा है। अब हमने तुझे छोड़ दिया, अब तू भाग के जा या उड़ के, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ सुनो, टाइम वेस्ट ना कर, निकल चल चल जा, निकल भाग जा। सायरा मैं आ गया, सायरा मैं आ गया। बड़ा टाइम निकाला यहाँ पहुँच के तूने, है इतनी जल्दी पहुँच गया। मैं सबको बता दूंगा कि सब तुमने किया है। क्या बता देगा? क्या बता देगा? मुझे रोकने वाले तुम ही थे। हाँ झूठा इल्जाम लगाता है, अपना मुद्दा मेरे पर डालने की कोशिश करता हो तुम। हाँ शर्म आती है कि नहीं? छोड़ो मुझे। क्यों आयो तुम यहाँ बताओ, क्या लेने आयो आप? तुमने मेरे खानदान की दलियों को आके रख दी है, अब कुछ रह गए बाकी? हमारी बेइज्जती मजीद करने आयो? आपकी इज्जत मैंने नहीं, आपके अपने बेटे ने उखाड़ी है। झूठियां कहानियां सुना के मुझे बुरा साबित करने की कोशिश करना चाहता है, और जान से जाएगा तू। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरा कोई और मकसद होता तो फिर मैं यहाँ क्यों आता? तो अब आके कौन सा कोई एहसान कर दिया तूने? ये सब तुम्हारा कसूर है, अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने। चल चल
तुमने हमें धोखा दिया, जाओ यहाँ से। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया अंकल, यशरफ ने गुंडे भेजे थे, यशरफ ने गुंडे भेजे थे, मुझे किडनैप करवाया। चार घंटे में रस्सियों में बंधा रहा हूँ मैं, बहुत बेइज्जत हुआ। और कोई इल्जाम है तो वो भी लगा ले मेरे पे, कोई कहानी है तो बना ले, बना कहानी। ये पिछले 5 घंटे में हम पे जो गुजरी है, जो रात हम पे गुजरा है, तुम्हें पता भी नहीं है। और अब इस रोशनी में कोई रुकावट नहीं होगी, जाओ जाओ अपने काम से। चल चल निकल यहाँ से, काटा इसका, निकाल इसको यहाँ से। आया बैठो। वैसे कुछ कीता है? घर का पहला वारिस तुमने हमें दिया, तेरा नाम तो बात होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये लो, लो जा भेजे। खदीजा मुंह मीठा कराना दोनों का। जवाब को कहो मिठाई वंडे, समझ आइए आश्रम नहीं समय खुशखबरी, फिर आले दुआले हर तरफ बताए लोगों को, है ना। भाई ये मैं ये मिठाई लेकर तो नहीं आ रहा था, मगर पापा नींद ने मुझे जबरदस्ती भेजा के जा ऊपर जाके अशरफ को मिठाई खिला दे। आपको तो पता ही है ना हमारा भाई बाप बनने वाला है। भाई तो फिर क्या करना है इस मिठाई का? मेरे लिए ना तो ये खुशखबरी है और ना ही मुझे ताया बनने का शौक है। हमाद ने बचपन से ही मेरी हर चीज पे कब्जा किया, नहीं होना खुश मुझे उसकी खुशी में। जा ले जा, ले जा मिठाई यहां से। जो भी इस दुनिया में आया ही नहीं आपको उससे तकलीफ। क्यों ना हो तकलीफ मुझे, इस घर का बड़ा हूं मैं, पहले वारिस देने का हक मेरा था और तूने एक बार फिर मुझसे हक छीन लिया। ये तो गलत फहमी है आपकी, आप हमेशा दूसरों के हक को अपना हक समझते रहे। जो गलत काम आपने जिंदगी में किए हैं ना भाई, आपने हमेशा उन्हें ठीक समझा। मैं गलत हूं क्योंकि तू अपने दिखावे की सच्चाई से मुझे गलत साबित करता आया है। तो आप अच्छे बन जाए, मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मुझ में दिखावा नहीं है, जैसा नजर आता हूं वैसा ही हूं। इतना दूसरों की खुशियों से अपनी जिंदगी नहीं सजाई मैंने। आपका मसला पता क्या?
आपने कभी अपने इर्द गिर्द की खुशी को महसूस नहीं किया। आपने अपने अंदर की अच्छाई हमेशा छुपाई। दूसरों पे हावी रहने के चक्कर में ना आप अपनी खुशियां छुपाते रहे, गुस्से में सुलगते रहे और अपनी गलती भी कभी नहीं मानी आपने भाई, कभी नहीं। बस करते ये बकवास। तूने कब समझा मुझे अपने बड़े भाई? कब की मेरी इज्जत तूने? खुद को बड़ा समझने और बड़ा बनने में बहुत फर्क होता है भाई। अगर आप बड़े हैं ना तो बड़ा सेल्फ भी अपना है। बड़े तो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने दिल में गलत फहमी पाली, अपने आप को गैर समझा, अपने गलत फैसले हम सब पे मुसल्लत किए आपने, मेरे लिए अपने दिल में बैर रखा, यहाँ तक कि अम्मा अब्बा के दुश्मन हो गए आप। क्या बातें कर रहे हो तुम? अशरफ का अजाब के लाभ लोगे? अब्बा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गलत बात नहीं करा। क्या मिला इन्हें गलत कर, बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन पता अफसोस के स्वाद के, इन्होंने आज तक अपनी गलतियों से कुछ सीखा ही नहीं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। इन्होंने अपने दिल के आगे नफरत की दीवार इतनी ऊंची कर ली है कि उस पार बिल्कुल अकेले रह गए। तुम अब अशरफ को उसकी गलतियां गिनवाओगे? बोल गए तुम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई है। अब मैं आज तक खामोश था क्योंकि इनका एतराज मेरी जात से था, लेकिन जब अपनी औलाद की बात आती है तो इंसान अदलिहाज और खुद गर्ज हो जाता है। अच्छा, इसकी बात को छोड़, मेरी खुशी का मौका है समझे? घर में किसी की आमद होने वाली है, गुस्सा रोक। अरे फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, फूफा अम्मा, सब देखो मैं कैसी खबर ले रहा हूँ। क्या हो गया, क्या हो गया? अम्मा ने मुकाबले के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। सच्ची? ये तस्वीर। क्या कह रहा है? फूफा जी ये तस्वीर देखे, तस्वीर देखे, अम्मा ने पहली पोजीशन हासिल की है मुकाबले के इम्तिहान में। दोनों की नजर आना, आपको आगे दिखाता हूँ। हम आज की तरह से बताओ मुकाबले के इम्तिहान में नंबर वन आया। सोए हुए उसको बताओ। मैं बताता हूँ उसे। अच्छा भाई, अच्छा अशरफ भाई, मुझसे गलती हो गई है, मुझे मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दे। मैं जानता हूँ उस वक्त क्या माफ कर दूं तुझे मैं? हर दफा तू मेरे हाथ पर डाका डाले और फिर बाद में माफी मांगने आया और मैं तुझे माफ कर दूं? अच्छा अब नाराज ना हो, मैं अब मैं फ्रॉक को लेके यहां से चला जाऊं। अच्छी बात है, बिल्कुल चला जाए यहां से, क्योंकि जब तुम दोनों को मैं देखता हूं तो मुझे अजियत पहुंचती है, आग लग जाती है मेरे अंदर। ले जाओ उसे मेरी आंखों से दूर। मैं चला जाऊंगा यहां से, यही चाहते हैं ना? आपको कुछ देखना चाहता हूं, अपनी शक्ल आपको कभी दोबारा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप जाने से पहले एक बार मुझे गले लगा के खुदा। अच्छा भाई, उस घर में वैसे भी मेरी आखिरी रात है, उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे चला जाऊंगा, अपनी बीवी को यहां से मैं लेके चला जाऊंगा आपकी नजरों से दूर। आप धमकी किसको दे रहा तू? तेरी वजह से बुरा कहलाया हूं हमेशा मैं, तेरी वजह से। लोग तेरी अच्छाई की मिसालें देते हैं और मेरी बुराई का ताना। आप गलत समझ रहे हैं अशोक भाई, आपको कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं समझ रहा मैं। सब मुझे गुंडा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन ये गुंडा और बुरा क्यों कहते हैं मुझे, कभी सोचा तूने? तेरी वजह से कहते हैं, सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तूने मेरी अच्छाई को कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। मेरे हिस्से का प्यार, मेरे हिस्से की तवज्जो को हमेशा बटोरा तूने। अच्छा आप समझते हैं ना मैं गलत हूं, लेकिन आप दफा हो मेरी आंखों से।
हमारे पास हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। हमें शवाद मिल रहे हैं कि उसने अपने भाई को छत से गिराकर मार दिया है। अब ये सच है या झूठ है ये तो थाने में जाकर पता चलेगा। अशरफ कहाँ है? मेरे दानदार साहब, बेटे की लाश अंदर पड़ी है। इस बार तुमने तदफीन होने तक आप इंतजार करें, मैं बेटे को खुद आपके हवाले कर दूँगा। ठीक है मुनीर साहब, मैं आपका दुख समझता हूँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कर रहे क्या कर रहे इधर? मार दिया मेरे अम्मा को, मार दिया मेरे अम्मा को तुझे, क्या कर रहे करते हैं? मेरे बच्चे को यतीम कर दिया तूने, मार दे मुझे, मार दे मुझे, मुझे मार दे। अब क्यों इस गले आपके बच्चे को मार रहा है? ये कातिल है, ये कातिल है, मार दिया इसने मेरे अम्मा को, मार दिया मेरा। कैसे मार सकता हूं मैं हम आपको? भाई था वो मेरा, तो सोच सकता है कि मैं अपने भाई की जान दूंगा? उसके होते मैं दूसरे कभी भाई आंख देता। मैंने भी गिराया उसे, उसका तो पांव पिसता था,
तू था वहां पे, तूने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया ऊपर से, तो खुद फिसला है। या तो ये गवाही देगा अदालत में कि हमाद को मैंने मारा है, मैं अपने भाई का कातिल, ये गवाही देगा तो काश मैं गवाही दे सकता, कम से कम अजियतों का शक्ल तो मिल जाती जो तू उसे मुस्तकिल देता रहा है। अबा तू तू इफ्रा को तो बता सकता है ना, उसको तो समझा सकता है, उसको तो कह सकता है ना कि मैंने उसे विवाह नहीं किया, मैंने हमाद को कत्ल नहीं किया, उसको तो कह सकता है ना अबा तू, बोल ना, कहेगा उसको, बोल अबा। लेकिन उन जलीली निगाहों का तो क्या जवाब देगा जो उनके हंसते बसते घर पे डालता रहा, उसकी शादी के बाद तूने हमाद को एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया, एक दिन भी। ऐसी कौन सी खास बात है जिसने तुझे अंधा कर दिया? लज के सोनी है, चलो खैर मैं खुद जाके देख लूंगा। दुख इस बात का है, दो चार मरतबा तुझे समझाया भी मैंने कि शिबली ना कर ना कर, तू बाज नहीं आया। अशरफ रोक से ना कर ना, चल जाती है उससे, नहीं है उसको कंट्रोल अपनी उंगलियों पे, उधर रख थोड़ा सा जख्मी हो जाएगा वो। चलो निकाल अब्बा के कागज, प्रॉपर्टी के कागज निकाल। चलो ठीक है, शाबाश, अब वो साइन भी कर कर, वो जो तूने अब्बा का प्लॉट लिया है साइन करके तू वापस कर रहा है, कर दे ना, कर ना, समझा रहा हूं तुझे, नीचे रख, चल जाएगी फिर। परसों मारा है इसने एक बंदा खामखा, मजाक उसने हल्का सा किया था और इससे चल गई गोली, अपने करी साइन अपने। शाबाश, ये तू खामखा कह रहा था कि नहीं करेगा वो साइन, असला लेके जाओ, डंडे से भी कर देता होता है, बेवकूफ आदमी है तू। कल शाम को ये दफ्तर खाली चाहिए, ठीक है ना? और अब्बा को आइंदा बाद कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा था कुछ नहीं कहेगा वो। लो जी शिवली साहब, इजाजत है? नहीं नहीं, आप अपनी कारोबार की बात करें। हाँ चल चल चल, तेरे से बड़ी पछतावे चलती है। आपका इसमें क्या कसूर है? गुनाहगार तो अशरफ है, उसने मेरी जवान बच्ची का घर उजाड़ दिया, अब भी वो रात को नींद में चीखे मार के उठ बैठती है, उसकी हालत देखकर मेरा दिल रोता है। अगर मेरी नौकरी का मसला ना होता तो मैं इफ्रा को इस हाल में कभी छोड़ कर ना जाता। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन आप समझे हमने भी अपना जवान बेटा जो है वो खोया, हमाद मेरा बेटा था और यकीन मानिए अशरफ ने उसको लक्का नहीं दिया, खुद के लाए, मेरी गुनाहगार आंखों ने देखा, मैंने देखा। लेकिन ठीक है, वो बेशक बड़ा हो
होनी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अदालत में जो उस पर इल्जाम लगाया उस पर एक बार फिर तस्दीक कीजिए, ताकि ये जो हमारे दरमियान ये जो बात खड़ी हो गई है ये साफ हो परे हो धुल जाए जी। अगर वो वाकई खूनी होता तो यकीन मानिए जुवेद भाई मैं उसके खिलाफ खुद गवाही देता। बस ठीक है मुनीर भाई, आप अदालत को ये फैसला करने दें। सर आबे शिवजी, तुझे तो मना किया था तो फिर आ गया। सर अशरफ से एक मुलाकात करा था। अब क्या काम पड़ गया अशरफ से? कुछ नहीं सर, अशरफ के दिमाग पर ना सदमे से बड़ा गहरा असर हुआ है। तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है अशरफ पर? क्या बताऊं सर, अशरफ कभी मेरा बड़ा यार हुआ करता था, बस जमीन के लेन देन में हमारा आपस में झगड़ा हुआ और एक दूसरे के हम दुश्मन बन गए। चल अब ज्यादा लंबी तकरीर ना कर, 15 मिनट टाइम है तेरे पास, जा मिल ले। मेहरबानी। आप क्या लेने आया? सबर सबर, मैं आजाद हूं और तू कैद में। यार सुराखों के उस पार गुस्सा करने से खून जलता है, मैं तेरे साथ एक जरूरी बात करने आया हूं। अशरफ वाकई यार तेरी किस्मत खराब है, इधर तेरी महबूबा बेवा हुई और उधर तू कैद हो गया। तू कोई फिक्र ना कर, मैं उसका खूब ख्याल रख रहा हूं, खूब नजर है मेरी उस पर। शिपली तमीज से बात कर, बकवास करने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे वो तो बेचारी अब अकेली रह गई, प्रोफेसर जावेद और उसकी बीवी मुल्क से बाहर चले गए। सोचता हूं कि मैं आज रात उससे मिल ही ताकि अशरफ तेरा मेरा पुराना हिसाब बराबर हो जाए। देख तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे घर वालों के साथ नहीं, तुमसे दूर है यही बेहतर है तेरे लिए। अशरफ तेरा इश्क सच्चा है ना, बचा लेना। मैं जो बकवास कर रहा हूँ उसे गौर से सुन और समझने की कोशिश कर। समझाना चाहती हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अशरफ से दुश्मनी का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका और मेरे पास नहीं आएगा। जाओ।
छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन आज तुम्हारे साथ होने वाला हादसा अशरफ की मौत होगा और मेरे मारे बगैर अशरफ जिंदगी की मौत मर जाएगा। यही थोड़ी सी हल्की हुई है, अरे मैं पूरे चलता हूँ। मेरा कत्ल करने आयो। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। यही चाहता हूँ मैं। तेरी दुश्मनी की वजह से वो बेचारी लड़की इफ्रा, उसका साथ ज्यादती हुई, सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में, किसी का मुंह दिखाने के काबिल लड़की का बेचारी का ये हाल है। लाला जी होश में आती है जिसे मारना शुरू कर देती। तो ये पता हमाद का बेटा होने वाला था, उस मासूम के लिए जान गई, अकेला नहीं गया मैं, अकेला नहीं गया। बस खुदा का वास्ता खुद को अकेला मत समझ। मेरे जीते जी मेरे घर का कोई भी फर्द अकेला और बेसहारा नहीं है। और रही बात उस कमीने की, तो एक बार बाहर आने दे मुझे, कसम खाता हूँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज का बतला लूंगा उसे। पर हमला करने वाला बंदा वो शबाहत अली उर्फ शिबली था। हमने इसका सारा पता लगा लिया, उसने आपको हवालात में धमकी दी थी, हमें ये भी पता चल गया। बस वो कानूनी कार्रवाई होती है जिसके लिए कुछ दिन हमें आपको अपना मेहमान बनाना पड़ा। आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आपके लिए खुशी की बात यह है कि प्रोफेसर साहब ने आपके खिलाफ कंप्लेन वापस ले ली है, अदालत में आपका केस डिस्चार्ज हो गया, आप बेगुनाह साबित हो गए। अब ये थोड़ी सी कानूनी कार्रवाई है, ये करने के बाद आप साइन करके अपने घर जा सकते हैं।
शिबली रूपोश है, आप उसकी टेंशन ना लें, हमने अपने बंदे उसके पीछे लगाए हुए हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा। अगर आपको भी कहीं इत्तला मिले हमें बताइएगा। मैं सद के जाऊं, अशरफ, अशरफ तो आके के जाऊं, तो आ गया। मैंने इतनी तेरे लिए दुआएं की, इतनी दुआएं की, मेरी आंखें थक गई तेरा रास्ता देखते देखते। तुझे पता है हमसे हमाद की आखिरी निशानी भी छिन गई। अब कहीं ना जाना अशरफ, अभी छोड़ के ना जाना, बस अब तू ही है हमारे पास। मुझे माफ कर दे, इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार हूँ। सब कुछ खत्म हो गया मेरी वजह से। तेरी वजह से मैं मेरे लाडले भाई, तेरी वजह से मैं बस, मेरा बेटा अशरफ तो लौट आया, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तो अब हम मौत भी तो ही। नहीं माँ, मैं नहीं ले सकता उसकी जगह, मैं हमाद नहीं बन सकता। तेरी वजह से नहीं मेरे बेटे, तेरी वजह से नहीं। बस बस बस, तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, बस सब ठीक हो जाएगा। तू वादा कर अपनी माँ से, वादा कर तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। तेरे बाप ने झूठी गवाही दी है तेरी, कातिल है तू, कातिल है मेरे हमारे साथ। जा यहाँ से, होती होगी तुझे वापस, जा तू वापस जाओ, तू इस घर में नहीं रह सकते, निकल इस घर से, जा यहाँ से, जा, ज्यादा ये नहीं। इब्रा, इब्रा, पागल हो गई, दिमाग खराब है तेरा? ये मेरा बड़ा बेटा है। मुकद्दर के इसने मेरे अम्मा मार दिया, इसने मेरे अम्मा को, हमाद को तेरे नसीब की काली स्याही खा गई, इसने नहीं मारा, ये अशरफ, ये हर वक्त मुझे कहता है, इसका ख्याल करो, इसको कोई तकलीफ ना हो। तेरा तो हो गया दिमाग खराब, जब से आई है इस घर में एक मुसीबत, ये इसका घर है, इसका घर है, खबरदार, खबरदार जो तूने इस पे कभी हाथ उठाया। चली जा अंदर तू, जा, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इसका घर है, जा यहां से, जा। मुझे यकीन नहीं आ रहा मम्मी कि हमाद की माँ ने मुझे इतना कुछ सुना दिया। बेटा तुम्हें उनसे उनके बेटे के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, उनका बड़ा बेटा है। कातिल है हमाद का बेटा, वो माँ है उसकी, और कोई भी अपने बेटे के लिए इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमाद भी तो उनका बेटा था।
से उन्होंने मुझे कसूरवार बना दिया। क्या सच में ही मेरी नसीब का कसूर था? अम्मी हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। उनको अपना बेटा प्यारा है, वो रखे अपना बेटा अपने पास। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं इस कातिल को नहीं देख सकती। अम्मी आप कुछ भी करें, बस हम यहाँ नहीं रहेंगे। खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। सब खैरियत है तो यहाँ कैसे आ गए? मिलने के लिए आया था। पहले कभी तुम आए नहीं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ मैं अपनी कोताहियों और गलतियों की माफी मांगने के लिए आया हूँ। बहुत हक तलफी की है मैंने, हो सके तो माफ कर दो। पहली बार सच बोला है आपने, लेकिन क्यों? इतनी जल्दी एहसास कैसे हो गया आपको? जहां तक बात है माफ करने की, वो तो मैं नहीं कर सकती। और मैं भी माफ नहीं कर सकता। जो नाइंसाफियां, जो ज्यादतियां, जो बदतमीजियां की हैं तुमने, वो मैं भूल ही नहीं सकता। चलो सायरा, खामखा में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। सर, अशरफ एक बात कहूं बेटा, इतना दिल दुखाने के बाद चाहे इंसान लाख माफी मांगे बेटा, बात पहले जैसी नहीं रहती। बुरा लगता हूं तुझे मैं। बुरा लगता हूं इसलिए तुम मेरे पास नहीं बैठती, मुझसे सही तरह बात नहीं करती, है ना? तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते। उसका मतलब है वाकई तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते। करते हैं, करते हैं तुझसे प्यार। अगर हमाद की जगह मैं मर जाता तो क्या तू उतना रोती जो जितना तू हमाद के लिए रोई है? हाँ? रोती, बहुत रोती। कम से कम तुम्हें दिल तो रखना आता, मैं तो वो भी नहीं रख सका किसी का।
कुछ शिकायत तो नहीं है ना मुझसे? अगर है तो बोल दे। तुम्हारे लिए खुशी की खबर लेकर आई हूं, तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। ये तो लव से सुनकर इतना अजीब सा लग रहा, जैसे बरसों इस लव से कोई ताल्लुक ही ना रहा। अच्छा, हर वक्त उदास मत बैठा करो, तुम्हें पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की खबर है। आज हम आद होते तो भी बहुत खुश होते। खैर, लड़का है कौन, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, इतने सारे सवाल एक साथ। तुम जानती हो उसको? अच्छा, कौन है? जवाद। पता है, अम्मा अब्बा की मर्जी से ये रिश्ता तय हुआ है, और अशरफ भाई तो मंगनी का बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते हैं। अशरफ भाई का किसी के दुख से क्या ताल्लुक? मुझे और अम्मी को इस घर में रोककर अम्मी की इद्दत के दिनों वो बड़ा सारा फंक्शन करना चाहते। अशरफ भाई कभी किसी को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकते, ना ही किसी के गम में शरीक हो सकते। मैंने हमाद को नहीं मारा, मैंने कसम खाता हूं मैंने हमाद को नहीं मारा। तुमने हमाद को नहीं मारा? जी, और हमाद को एक साथ देखकर खुशी तो बहुत होती होगी ना? तकलीफ जरूर होती थी, होती थी तकलीफ, लेकिन लेकिन नहीं मारा है मैंने उसे। मैं उससे लड़ता था, उससे झगड़ता था, उसे बुरा भला जरूर कहता था, क्योंकि क्योंकि वो सब मेरी फितरत का हिस्सा है, मैं मजबूर था। लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने उसको नहीं मारा। जब हमाद मरा था तो तुम खुश तो बहुत हुए होगे ना? वो मेरे सामने गिरा है, मेरे बस में होता तो मैं उसको गिरने से बचा लेता। मुझे दुख है तुम्हारे तनहा रह जाने का, अफसोस है मुझे इस बात का। लेकिन खुदा की कसम, मैंने अपने भाई को नहीं। भाई मत कहो उसे, किसी बात का यकीन नहीं। तुम बुरे आदमी थे, तुम बुरे आदमी रहोगे, जालिम इंसान थे, तुम जालिम रहोगे। सब ठीक कहते हैं, अच्छी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, तुम नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते तुम। मैं बदल गया हूं,
बिल्कुल बदल गया हूँ, बस एक बार मुझे माफ। नहीं करूंगी मैं तुम्हें माफ। कभी नहीं करूंगी माफ। तुमने मेरे हमार को मार दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी अच्छा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं इफ्रा, ये उसकी अच्छाई है। वो खुद से पहले अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है। याद है तुम उसके बारे में जो कुछ बताती थी? अब वो बिल्कुल बदल गया। उसके बदलने से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही? मेरे सामने उसकी अच्छाइयां मत किया करें। बस अब यहां से निकलने का कोई बंदोबस्त करें। क्यों बेटा, तुम्हें यहाँ रहने में कोई तकलीफ है क्या? बस मुझे इस घर में नहीं रह। बेटा हम मजबूर हैं। मुनीर भाई और शकीला भाभी हमारी मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शकीला अम्मा, आपको उनकी बातों में छुपी तलखी महसूस नहीं होती? मेरे लिए उनकी तंजिया बातें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। शकीला भाभी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी आप मुनीर अंकल से बात करें। बस अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। और हम अशरफ के कहने पर क्यों रुके? वो कौन होता है? मेरे नुकसान का जिम्मेदार है। मैं उसकी हरगिज नहीं सुनूंगी। बस आप कुछ भी करके यहां से निकले। कोई भी किराए का घर देख ले। हम बस अब मैं यहां नहीं रुक सकती। देखो बेटा, एक तो मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ और दूसरी बात ये कि अब किसी मर्द के सहारे के बगैर हम दोनों के लिए अकेले रहना नामुमकिन है। बात समझने की कोशिश करो बेटा। मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मी। आप मुनीर अंकल से बात करें। बाप को बहुत सी खुशियां दे, पर मैं नहीं जा सकती। अपनों के बगैर खुशियां कैसे मुकम्मल हो सकती हैं? खुदा आप सबको बहुत खुश रखे, आप सब आपस में खुशियां बांटे, पर मैं आ नहीं सकती। ठीक है, अगर आप मंगनी पे नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। नहीं नहीं अशरफ बेटा, तुम्हारी बहन की मंगनी है। उठो शाबाश, जाओ जाके तैयार हो जाओ। ऐसे मौके बार बार थोड़ा ही आते हैं। कमाल करती हैं, मुझे बेटा भी कहती हैं। और अगर मैं बेटा हूँ तो फिर रुबाब तो आपकी बेटी हुई, तो क्या अपनी बेटी की मंगनी पे नहीं जाएंगी आप? अगर नहीं जाएंगी तो उसको बहुत दुख होगा। अच्छा तुम कहते हो तो मैं चलूँगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं
मीर अहमद, ये अशरफ ने तो तैयारी में दुल्हन से भी ज़्यादा टाइम लगा दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि आज भी कहीं तमाशा ही करेगा कोई। असल में आपकी तवज्जो चाहता हूँ, खुशी का मौका है। मैं कह चले, मैं एक ऐलान छोटा सा कर दूँ। मैंने फैसला किया कि बेटी इफ्रा और अपना हमारा बच्चा जो है असलम, इनका निकाह हम अगले जुमे कराएंगे। आप सब हजरात को दावत है। शादी कर लूं उस खूनी के साथ? इतना बड़ा फैसला मेरे लिए? मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, मैं किसी को भी हमाद की जगह नहीं दे सकती। और ये सब सोच रहे कि मैं वो जगह उठाकर उसके खूनी को दे दूंगी? सवाल ही नहीं पैदा। अब्बा, आप मुझे मारकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन अशरफ से शादी का ना करें। कर सकती मैं, मुझे पता है तुम्हारे दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं होगी, चाहे अशरफ हो या कोई और। इसलिए मैंने ऐसा किया कि अगर यही बात है अशरफ, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोग कैसे ले सकते? ये जिंदगी नहीं है, ये बर्बादी है। हम लोग आबाद करना चाह रहे हैं दोबारा से। अब्बा, अशरफ जैसे हुंडे के साथ शादी कराकर आप मुझे आबाद कैसे करेंगे? वो बदल गया है, वो हादसे के बाद बदल गया। हादसा ना कहीं भाई को मारने के बाद बदला। देखो बात सुनो, हम लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के गवाही दी है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया, ये हादसा था। कातिल तो उसकी नफरत थी ना? कई लोगों से हम लोग नफरत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये नहीं मतलब हम उन्हें मार देते हैं। ये उसकी कम नसीबी है क्या?
उसका भाई इस हादसे का शिकार हो गया। बहर जो भी हो, मैं अशरफ से शादी नहीं करूंगी। मैं समझता हूँ तुम्हें कोई भी मंजूर नहीं है, लेकिन अगर मुझे जरा से भी जरा भर भी ये ख्याल होता कि अशरफ तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तो मैं कभी ये फैसला नहीं करता। तो मुझे अब्बा कहती हो हैं? बाप समझ रही हो? तो बच्चे फिर इनकार नहीं करोगी? अरे भाभी, मुझे यकीन है कि अशरफ से बेहतर आपको दमाद नहीं मिलेगा। मैंने अशरफ का मन पढ़ लिया, इफ्रा बेटी को खुश रखेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं निकाह के लिए मान जाऊंगी? हर किस ने तुम इनकार कर दो इस निकाह से। वादा करता हूं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अब्बा से फरमाइश करते तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो, अगर गलती से सब कुछ सही हो रहा है तो ठीक है ना। वैसे अशरफ भाई और जवाहर सुबह से नजर नहीं आ रहे, शायद कामों में बिजी होंगे। आप उनका नंबर डायल कर दें प्लीज। मैं मोबाइल तो इस्तेमाल करती नहीं। सब्र करो इफ्रा, इतनी क्या जल्दी है बात करने की? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस जरूरी बात करनी है। रुबाब तुम मिला दो नंबर प्लीज। हो जाएगी बात, थोड़ा सा सब्र। हाँ ना आपा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। अभी तो पूरी रात पड़ी है बातें करने के लिए, दिल खोल के बातें करना। आप प्लीज उनका नंबर डायल कर दो, मुझे बात करनी है उनसे। अच्छा लाओ मुझे तो। मैं तुम्हारे साथ किसी ताल्लुक पे कभी खुश नहीं रह सकती। इस दिल में आज भी सिर्फ हमाद की मोहब्बत। उसकी जगह किसी को नहीं दे सकती। अरे माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियां दे बेटा, और अब कोई दुख ना आए तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारा दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ, नीचे मेहमान आए हैं। हाँ तो आप यहां दूल्हा बनने की तैयारी में लगे हुए। आपको अंदाजा भी है कि मेरे लिए एक एक लम्हा कितनी अजियत से गुजर रहा है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनकार कर दें, आपने इनकार ही नहीं किया। मैं गया था अब्बा जी के पास इनकार करने के लिए। तो उन्होंने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया, या आपने उनको अपनी बात बताने से? मैं तो भूल ही गई कि आप वो अशरफ हैं जिसको लोगों को मजबूरी में देखकर मजा आता है।
ऐसी बात नहीं है, मैं गया था बच्ची के पास, बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। लेकिन मैं निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा, वादा करता हूं मैं आपसे। सच? आप कर देंगे ना इनकार? जी बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं इनकार कर दूंगा, पर आपसे दरखास्त है आप इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनकार की वजह या जिम्मेदार उसका सब आपको ठहराए। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी अम्मी की फिक्र है। मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। दुख होगा उन्हें अगर आपने इनकार कर दिया तो। मैंने वो सब नहीं सोचना, बस आप इनकार कर दीजिएगा, और अगर आपने इनकार नहीं किया ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। मैं कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूं, वादा करता हूं। मुझे मालूम है कि मैं आपको कभी कोई खुशी नहीं दे सका हूं, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरी बात का, निकाह के वक्त मैं इनकार कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आप मज़ीद दुखी हो। आप कर देंगे ना इनकार? और अगर आपने इनकार नहीं किया तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। इफ़रान बिनते जुएद अहमद बाकमर, 1,00,000 रुपया सिक्का इलाजल वक्त आपके निकाह में दी जाती है, आपको कबूल है? भाई इस निकाह से इनकार मत करना, कर ले निकाह। भाई इतने सालों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और तुम इस वक्त ही नाराजगी से घबरा रहे हो। भाई मेरा यकीन करो, तुम निकाह के बाद इफ़रा भाभी को मना लोगे, तुम्हारी मोहब्बत उनकी सारी रंजिशों और नफरतों को दूर कर देगी। वक्त जो है ना जख्म भर देता है, अगर मेरा जरा भी साथ ना तो शादी करेगा बस। जरा साठ पकड़े, आपका काम हो गया, आप जरा हमें अपना काम। वादा करता हूँ मैं आपसे, निकाह के वक्त इनकार कर दूंगा। गलती हुई है मुझसे, जब वादा किया था तो इनकार क्यों ना कर सका। मैं तो इनकार करने जा रहा था। सुन दिया ही ससी फिर क्यों? रात सुहाग दी सो गई सेज बिछा के ऐसी कूक। इतना दुख बेयकीनी बेतबारी उसकी शदीद नफरत क्या मैं लेके पुनून औरत उठा के हो क्या वो मेरी कोई बात मानेगी? ओ दाइश्क सी कच्चा ताइयों सो गई अखियां लाके
रफीक ससी अज जूं दी हुंदी ता मैं पुछदा कौन बिठा के। मैं जानता हूं वो मुझे माफ नहीं करेगी। देखिए मैं चाह रहा था कि उस घर में पहला कदम आप रखें। क्यों? आपकी अम्मी तो मुझे बदकिस्मत समझती है। आपको नहीं लगता मेरे कदमों से बदबख्ती की अलामत हो सकती है? ये वहम है उनका। आप क्यों उनकी बातों को अपने दिल पे लगा रही हैं? मैं तो हर किसी ऐसा नहीं सोचता। बस कर दे ये ड्रामे मेरे सामने, बस कर। यही चाहते हैं ना कि दुनिया के सामने आप बहुत अच्छे लगे, लोग आपकी वाहवाह करें। ये तोहफे, ये नायत हमाद की बेवा से निकाह सब खेल है, लेकिन मैं चीजों से झुकने नहीं वाली। इतनी बेएतबारी, रत्ती भर यकीन नहीं है आपको मुझ पर? नफरत है मुझे आपसे और कुछ भी नहीं। वो भी मंजूर है मुझे, लेकिन जाने से मना मत कीजिए। आपने मुझे कहा था ना कि आपने ये सब दुनिया को दिखाने के लिए किया। झूठ बोला था आपने। मुझे आपके साथ नहीं रहना, कहीं भी नहीं। इसे चाहे आप मेरी मजबूरी समझिए, लेकिन अकेला नहीं छोड़ सकता मैं आपको। दिल पे जबर करके सही, लेकिन आपको साथ चलना है, कम से कम वहां तक जहां तक जरूरी है। नीचे सब तैयार है, आपका इंतजार है। तैयार होके आ जाइए, बस यही चाहता हूं मैं। और अशरफ बैठे ले लिया जनाब, अब बहुत आलीशान कह रहे, बहुत माशाल्लाह। हाँ पता नहीं, फुली फर्निश्ड आज ही, सब कुछ पहले से मौजूद था। हाँ बिल्कुल, वहां भी गया देखा, फिर आपसे बाद में बात। वालेकुम, आइए बिल्कुल ठीक जी। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो नया घर। शुक्रिया शुक्रिया, मुबारक हो भाई साहब। आप सबको मुबारक हो। मतलब कसर नहीं छोड़ी चले, कहने पैसे लाए ले, फिर पॉलिश का चेक करा ले। बस अल्लाह खैर सलामती से रखे हैं जी। आए आए, मैं आपको घर दिखाऊं। ऊपर का भी हिस्सा दिखाओ ना इन्हें। जी जी जी, आओ। मैं तो सोच रहा था कि आप जब पहला कदम इस घर में रखेंगी, घर में आएंगी, तो आपका इस्तकबाल मैं फूलों के साथ करूंगा। लेकिन आपने तो कैसा लगा
मुबारक हो आपको अपना नया घर। क्या मैं इस कमरे में अकेले रह सकती हूँ? आप अकेली ही तो है इस कमरे में। मैं तो सिर्फ ये घर वालों को बाहर वालों को ये दिखाने के लिए इस कमरे में आता हूं कि आप मेरी बीवी। लेकिन मैं इस तालुक को नहीं मानती। आपको क्या लगता है मुझे यहां जबरदस्ती इस घर में इस कैद खाने में लाकर ये फूल तोहफे देकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? बताएं मुझे, कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। मेरे दिल में हर गुजरते दिन के साथ आपके लिए सिर्फ नफरत बढ़ेगी। सिर्फ नफरत। ये याद रखिएगा, जो कुछ भी आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ पता नहीं क्यों आप उसका गलत मतलब ले लेते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ भी करा सिर्फ आपको खुश करने के लिए करा। क्योंकि मालूम है मुझे कि अमाद के जाने के बाद आपके दिल में मेरे लिए बड़ी नफरत है, जानता हूं मैं। कुछ कर लूं मुझे पता है, मैं कुछ भी कर लूं मुमकिन नहीं है कि मैं उसकी जगह ले सकूं। तो लेना भी नहीं चाहता मैं। ले ही नहीं सकता। लेकिन ये जो सब मैं कोशिश बस बस कर दे। आपके लिए ही मुनासिब होगा कि आप यहां से चले जाएं। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर कभी इंसान से किसी की हक तलफी हो जाए, कोई नाइंसाफी हो जाए और वो उसका मुदावा करना चाहे तो क्या करना चाहिए उसे? माफी ही उसका आखिरी हल है। तो क्या फिर माफी मिल जाती है? ये तो सामने वाले शख्स पर है।
वो आपको माफ करता है या नहीं। अगर आप सच्चे दिल से पुरानी बातों के लिए फिर से माफी मांगने आए हैं तो मैं वो दोहराना नहीं चाहती, याद नहीं करना चाहती उन बातों को। शर्मिंदा हूं अपने किए पर, बहुत शर्मिंदा। मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर अपनी गलतियों का, कोताहियों का एतराफ कर लूंगा तो तुम्हारी तकलीफ में कमी हो जाएगी। माफ कर दे मुझे, बड़ा भाई समझ के माफ कर दे, बेवकूफ समझ के माफ कर दे। अगर मेरे माफ कर देने से आपके दिल को सुकून मिलता है तो जाइए, मैंने आपको माफ किया। मैं कुछ और सोच रहा हूं, तू एक काम कर, मेरा जाके नौवीं और दसवीं का दाखिला फॉर्म ले आ। क्या कह रहे हो भाई? क्या कह रहा हूं, तो नौवीं दसवीं का इम्तिहान देना चाहता हूं मैं। भाई मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों करूंगा मैं मजाक, हाँ? किरले सच कह रहा हूँ। जा भाई, अगर आपको नौवीं दसवीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं अरेंज कर देता हूँ, मैं आपका ए ग्रेड सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। झूठे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, जब मैं पढ़ के इम्तिहान दे सकता हूँ तो सही तरीके से क्यों ना पास करूँ। बात तो अच्छी है पर भाई इम्तिहान कैसे दोगे? पढ़ के दूंगा और कैसे देते हैं इम्तिहान। भाई तू बेफिक्र हो जा, मैं तेरे लिए किसी अच्छे से उस्ताद के इंतजाम करता हूँ, वो देखना तुम्हें ऐसा पढ़ाएगा। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे, और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि खामखा ये बात पूरे जमाने में फैले, लोग मेरा तमाशा बनाए, हंसे मेरे पे कि ये उम्र पढ़ने की है कि कारोबार करने की। इम्तहान देने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने पढ़ने में तो हम दोनों बहुत पीछे ना, तो कोई तो हो जो आपको समझाने वाला हो। मैंने उस्तानी ढूंढ ली है, घर की बात है, घर में ही रहेगी। सलाम अलैकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, घर में सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है। वो जरूरी एक बात करनी थी। हाँ जी। तुझे पता है ना, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सका, बहुत सारी वजूहत थी, नहीं पढ़ सका, बस नहीं पढ़ सका है। तो मैं सोच रहा था कि इतना टाइम जो वेले गुजर जाता है तो क्यों ना अपना मैट्रिक की जवाब को मैंने भेजा है, मैं कहा देख जरा पता कर अगर दाखला फॉर्म मिल जाए तो। क्यों भाई अचानक, मतलब क्या हुआ? यार इंसान का दिल है, कभी भी किसी भी चीज के लिए जा सकता है, इसमें क्या हर्ज है?
नहीं, मेरा मतलब माशाल्लाह आपका अच्छा खासा कारोबार चल रहा है, पसंद की शादी हो गई है, और क्या चाहिए आपको? सच बताऊं? एहसास हो गया मुझे, एहसास हो गया मुझे कि मैं इफ्रा के लायक नहीं हूं। उस वक्त वो मेरी मोहब्बत थी और हमारे के बाद मेरी जिम्मेदारी। दिल से कबूल नहीं किया है उसने मुझे। और मैं ये भी जान गया हूं कि उसकी नापसंदीदगी की वजह हम दोनों की सोच का फर्क है। ठीक कहती है वो, ठीक कहती है वो कि मैं जाहिल हूं। ठीक कहती है वो, और फिर मैं तेरी भी तो पढ़ाई के खिलाफ था ना। मैं कितना बोलता होता था, लड़ता था तेरे से। जब तू वो अव्वल आई थी तो अखबार में फोटो छपी थी, मारा था ना तुझे। आज देख, तेरे ही सामने मोहताज बना बैठा। हाँ भाई, मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों के लिए बहुत कुछ करते हुए देखा है, लड़के को लड़की के लिए पढ़ते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी इस कोशिश में मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। लेकिन एक बात करना पड़ेगा तुझे, ये बात तेरे मेरे अलावा और किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन आपको अब मेरी बात माननी होगी, पाबंदी से यहाँ आना होगा। ठीक है, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है, मैं अब आपकी टीचर हूँ। अच्छा। जैसा तू बोले। काम करने के लिए दिया था, दिखाएं जरा कहाँ है वो। मुबारक हो तुझे, अपनी खतीजा की बात पक्की हो गई। हाँ, मुझे अम्मा ने बताया था। काम तो दिखा दें जो दिया था मैंने करने के लिए। हैं? काम दिखा देना। हाँ, बस मैं वो करने ही लगा था काम, तो वो पार्टी आ गई दो, तो उनको दिखाने के लिए चला गया लोकेशन में। फिर उसके बाद दोबारा बैठा मैं, मैंने कहा मैं कर ही लूँ, क्योंकि तू नाराज़ होती है। तो अम्मा ने बुला लिया घर, रिश्ते वाले आए हुए थे, उनसे भी मिलना। हाँ, मुझे पता है, बहुत खुशी की खबर है। लेकिन ये बहाने वहाने नहीं चलेंगे। जब काम करने को दिया था तो क्यों नहीं किया? मैं इतना वक्त लगा रही हूँ आप पे, क्यों लगा रही हूँ? हाँ, मुझे पता है, तू ठीक कह रही है, बस वो कर लेना था मैंने काम। हाँ तो कर लेते ना। समझ नहीं आया था ना। समझ नहीं आया था तो समझाते 10 बार समझाती मैं आपको, ये कोई तरीका तो नहीं है। और इतना इजी था, जब वो समझ नहीं आया तो आगे कैसे एग्जाम्स देंगे आप? अब तू मुझे डांटे की चूस ली। टीचर हूँ मैं आपकी, डांट सकती हूँ, स्टूडेंट है स्टूडेंट की तरह। कितनी बार समझाती हूँ, वक्त लगा रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। इस तरह करना है तो मैं पढ़ा ही नहीं सकती आपको। जाए किताबें लेके चले जाए, किसी और से पढ़े, मैं नहीं कर सकती। कर रहा हूँ कोशिश, मैं कर तो रहा हूँ। 50 साल पहले किताबें छोड़ी थी, तू तो चाहती है मैं एक ही रात में वो हो जाऊँ। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बस ज्यादा बातें नहीं करें। शुरू शुरू में हो जाता है ऐसा। हाँ, हो जाता है, करें निकालें तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे इजी वाला अब शुरू कराती हूँ ताकि समझ आए कुछ। फिर कहते हैं समझ नहीं आई, अब ना आए समझ तो दोबारा पूछ लीजिएगा। हाँ, पूछ लूंगा दोबारा। मेरे ख्याल में खतीजे को कौन से रंग का जोड़ निकाल रहा हूं। निकाल रहा हूं।
ये भी हो गया, और क्या क्या बाकी रह गया? ये और ये बाकी रह गया। भाई जी वो निरंजन भट्ट का फोन है, जरूरी है, बात करना चाह रहा है आपसे। जरूरी एक मिनट। भाई माफ करना, शादी के वक्त फोन किया? नहीं, बोल क्या बात है। वो लौट आया भाई, आपके जाने के बाद मैंने उसे मोहल्ले में देखा है। शाम में ही होना, अब शिवली आ गया है, तेरा काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। चल भी शिवली, तेरा वक्त हादसा आ गया। अच्छा मुझे छोड़ दो। ले आया हूँ इसे, ले आया हूँ तुम्हारे मुजरिम को। यही है ना तुम्हारा मुजरिम, यही है ना, इसी ने तुम्हें दुख और परेशानियां दी है, इसी ने रुलाया ना तुम्हें। ले आया हूँ इसे मैं तुम्हारे पास, ले लो अपना बदला इससे, खत्म कर दो इसे। ब्रदर्स का भेजा, पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो पिस्तौल। अब क्या कर रहे हैं इसे? अब्बा इसमें मत बोल, इतना चला गोली, ले लो अपना बदला इससे, इसी ने रुलाया है तुम्हें, इसी ने दुख और परेशानियां दी है, चला गोली। अशरफ, अशरफ भाई खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, इसको पुलिस के हवाले करो, कानून इंसाफ करे। कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे कह रही है अपराध करो इसे, छोड़ दो इसे। कैसे छोड़ दो इसे? इसे तुम्हें दुख दिया है, जान से मार दो इसे। अशरफ की जिंदगी बख्श देना, तेरी कुदरत का क्या कहे, बड़ी बात नहीं, बख्श देना। अब उसी की जिंदगी की दुआएं मांग रही हो ना, इसके लिए मौत की दुआएं मांगती थी। इफ्रा अगर अशरफ को कुछ हो गया ना, तो मैं यही समझूंगी कि उसे तुम्हारी बददुआ लगी थी, तुम ही बेवा होने की दुआएं करती थी ना। देख लो अब तुम्हारी दुआएं कबूल होने की घड़ी आ गई, हम एक बार फिर बेसहारा हो जाएंगे। ऐसे मत कहे अम्मी, अशरफ को कुछ नहीं होगा, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। मैंने सुना था इंसान की फितरत में ना शुक्रिया, लेकिन तुमने तो खुद गर्जी की हर हद ही पार कर दी। जिन्होंने छत दी, सहारा दिया, इज्जत दी, तुमने उनकी कदर नहीं की। याद रखना इफ्रा, अगर अशरफ को कुछ हुआ तो समझना मैं भी जीते जी मर गई। मेरे दुख में मुझे अकेला मत छोड़, इसे मेरा कोई कसूर नहीं। भाभी, खाला, भाई का ऑपरेशन हो गया। अशरफ कैसा है? वो ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया। बस अब उसको उसको रख के अपने रूम से शिफ्ट कर रहे हैं कमरे में। आपकी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं मांगी, सच कह रही हूं, लेकिन आप झूठे,
तो वादा किया था मुझसे, मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। आप बाकी बहुत बुरे, बहुत बुरे। जरूर हूं लेकिन हम आपको कुछ मैंने नहीं किया। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आपने हम बात करनी मानी। Ooh.